हेलो फ्रेंड्स, सिविल डायरीज पुणे में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो में जो क्वालिटी पार्क है उसके बारे में हम इस वीडियो के माध्यम पे आपको एक क्वालिटी जो पार्क है हमारा वो कैसे दिखने में और कैसे हम रखा हुआ है इसके बारे में आपको यहाँ पर दिखाने वाला हूँ। तो इस वीडियो में आपको क्वालिटी पार्क जो आइडिया लगेगा कि जो आपका जो क्वालिटी लैब होती है तो उसके अंदर में कैसे कौन सी चीज की जो डेमो होती है वो कैसे लगाया जाता है उसके ऊपर आपके इस वीडियो में आइडिया आ जाएगी। आपको एक पहले झलक दिखा देता हूं क्या क्या चीजें हैं, ठीक है। जितने मतलब वर्किंग के लिए जो है या हेलमेट लगाने के लिए ये भी है, मतलब हेलमेट रखते हैं हम इस पे, ठीक है। उसके बाद है ब्रिक्स टावर पेन का एक डेमो, एक जो कॉलम है स्किल के लिए फुटिंग और कॉलम की जो बेसिक स्किल देने के लिए फिटर के लिए। उसके बाद यहाँ जो बैग होता है उसका फ्लैश एसी फार्मा है वो, ये वाला एसी से ब्लॉक वर्क कैसा किया जाता है डेमो, यहाँ पर पूरा डेमो है यानी यहाँ डीपीसी डीपीसी यानी डैम टू कोर्स है, यहाँ पर देखिएगा वो। उसके बाद यहाँ प्रॉपरली ब्लॉक आरसीसी बॉन्ड, यहाँ पर जिप्सम या फाइबर मेश या जीआई मेश, मतलब फाइबर मेश कैसे लगाया जाता है, जीआई मेश कैसे लगाया है, बुलियन कॉलम जो बुलियन कॉलम है यहाँ पर डेमो देता है, यहाँ सीएम प्लास्टर, यहाँ कवर ब्लॉक लगाया है, देखिए ये वाला ये पार्ट लिख रही है जो आरसीसी बॉन्ड है उसके लिए जो बीम है। फिर उसके बाद में यहाँ पर आपका बुलियन कॉलम के लिए फार्मा सेटिंग का जो है मायावन के लिए बुलियन कॉलम सेटअप, स्टेयरकेस जो हमारा साइड पे जो एक शटरिंग जो है ये शटरिंग कारपेंटर फोरमैन के लिए, शटरिंग मतलब जो वर्क करते हैं कारपेंटर के लिए है, और जो रेनफोर्समेंट है जो रेनफोर्समेंट का काम करते हैं उनके लिए। ये डेमो बना बना के हम साइड पे आइडियाज बताने के लिए या स्किल उनको कितना है वो हमें टेस्टिंग करने के लिए हमें ये रिपोर्ट जल्दी पता चल जाता है। उसके बाद यहाँ पर सिरप्स कौन सी सिरप्स कहाँ पर यूज की होगी, क्या नाम है, वो भी यहाँ पर पूरा यहाँ लगाया हुआ है लैब्स में। ये हमारे पास में पूरे प्रकार के सिरप्स है और भी अलग टेबल है यहाँ पर जो ज्यादा यूज किया जाता है, जो स्क्वायर रिंग रेक्टेंगल रिंग स्क्वायर है या रेक्टेंगल रिंग है, मास्टर रिंग जो कॉलम को मेन होता है वो मास्टर रिंग होती है, या बीच में सर्कल रिंग है ये सर्कल रिंग, ठीक है, या स्क्वायर मतलब चारों बाजू चारों सेम है इसके लिए स्क्वायर है, रेक्टेंगल है एक बाजू छोटा एक बड़ा, या ट्राइंगल रिंग या हुक इसको लिंक्स भी कहा जाता है, और लिंक्स सभी जितने स्टेरप्स है उसको लिंक्स भी कहा जाता है, स्टेरप्स कहते हैं ट्रैपोजॉइड स्टेरप्स है, इसको साइड पे समोसा डबल समोसा रिंग कहते हैं और इसको सिंगल समोसा रिंग कहते हैं जो हमारे फिटर बाइक के लैंग्वेज में है, ठीक है। ये जो इतने स्टेरप्स ज्यादा यूज किया जाता है और इसके अंदर के जो स्टेरप्स है इनमें से सबसे ज्यादा जो स्टेरप्स होने ये डायमंड रिंग यूज की जाती है, ये वाली डायमंड रिंग, ये डायमंड रिंग है, और ये भी एक ये वाला भी एक्सट्रोजनल स्टेरप्स है, ये वाला भी यूज की जाती है और कभी कभी ये वाला भी यूज करते हैं। स्पाइरल रिंग आप देखते होंगे कि ज्यादा अपना जो पाइल कैप होता है उसमें यूज किया जाता है, और कैप्सूल रिंग कहीं कहीं पर कॉलम का जो शेप वैसा रहता है उसके टाइम में यूज किया जाता है, एक क्रैंक बार जो बेंट अप आपका ज्यादा स्लैब में यूज किया जाता है, एक चैम्पर बार है वो एक्चुअली ऐसा खड़ा होता है और यहाँ पर बैठने के लिए ऐसा बैठा है, ठीक है, जो टंकी में यूज किया जाता है जो चंप होता है जो क्रॉस ऐसा अंदर में टंकी के अंदर, जो गुंडे बार होता है जो
यहाँ सज्जा के लिए जो आपका बाहर वाला जो लिंटल सज्जा होता है, तो लिंटल बीम और सज्जा बाहर एक साथ में उसको करके कंबाइन करके यूज किया जाता है। इसमें जो अप और डाउन जो स्टेयर केस मतलब अप और डाउन जो सन जो बार होते हैं उसमें टॉयलेट बाथरूम जहाँ रहता है ना नीचे ऊपर, वन पीस में ही वो जो बार देखा है वो नीचे ऊपर करके ज्वाइन करके यूज कर सकते हैं, जो आपको यहाँ दिखाया गया है। इसमें ज्यादा से ज्यादा स्टेयर यूज करते हैं साइड पे, वो यहाँ पर डेमो दिखाया है ताकि हमको पता चल जाता है। उसके बाद ये सैंपल बोर्ड है जो आपके ओपीसी से में ये सब मतलब जितना क्रैश सैंड, 10 mm एग्रीगेट, 20 mm एग्रीगेट, एम सैंड, ये सब जितने यूज किया जाता है वो सब का मटेरियल का यहाँ पर हम लोग डैशबोर्ड लगाया है जाने। उसको लिया है स्लैम सैंपल बोर्ड, और सैंपल बोर्ड में ऐसे लोहार डब्बे में जो जो आपका मटेरियल है वो लगा के यहाँ लगाया है। उसके बाद यहाँ पर जीआई मेश कैसा है, फाइबर मेश कैसा है, इसमें जो हमें ट्रेनिंग देने के लिए ये वीडियो काम आ जाता है। जो नया नया लेबर होता है, स्टाफ होता है, उनको ही समझने के लिए जल्दी से ही पता चल जाता है। उसके बाद ये टूल्स है, फिनिशिंग टूल्स, यानी जो फिनिशिंग टूल्स जो होते हैं, जो नया इंजीनियर होते हैं तो उनको समझने के लिए ये वाले लगाया जाता है ताकि उनको जल्दी से मालूम हो जाए, और वो इस टूल को जो सभी लैंग्वेज में बोलते हैं तो उससे कॉमन है वही लैंग्वेज से यूज किया जाए। इसके लिए आरसीसी वर्क कंज्यूमर मेंशन नंबर, यानी जैसे कि हमारा साइट पे 8 mm से स्टार्ट होता है तो हमारा 32 mm तक स्टील यूज किया जा रहा है, तो ये यहाँ पर हम स्टील डाया लगाया हुआ है, और यहाँ पर जितने कपलर की लैपिंग करते हैं वो कपलर लगाया गया है। उसके बाद ये कपलर है, ठीक है, रेडियस कपलर है, और भी 32 वगैरह ये सब तो कपलर दिखाया गया है, और रेडियस में भी होता है लेकिन 20 mm से आगे कपलर रेडियस में होता है, ठीक है, और वर्टिकल में करेंगे तो 20 mm से आगे, और जो ट्रैवल्स करेगा तो 16 mm से आगे कपलर यूज किया जाता है। उसके बाद यहाँ पर बाइंडिंग वायर जीआई का है, और ब्लॉक जितने जो हमारे पास रहते हैं जैसे कि 35 पीस का है, 50 फुटिंग का है, राउंड वाला 30 mm वाल का कॉलम का है, ये 30-40 कॉलम हर वाल के लिए भी लगाया जाता है साइड के लिए, ये 20-25-40-50 एक साइड एक ही जगह पे रहता है, 21 में सब इस साइज का है, कॉलर राउंड है 40 का, ये ऐसा पूरा डेमो ताकि हमें नया जब कोई भी स्टाफ या लेबर होता है तो उनको सिखाने के लिए ये बोर्ड हम डिस्प्ले करते हैं। उसके बाद पीटी में जो काम करते हैं तो पीटी में एक्चुअल में हर पार्ट को क्या कहा जाता है, ये पीटी वर्क के लिए है, तो पीटी स्टैंड आप देखा होगा, पीटी वर्क का असेंबल है इतना पूरा, ठीक है, तो इसमें जितना भी मटेरियल यूज किया जाता है तो ये यहाँ पर पूरा लगाया गया है। इस सभी मटेरियल को क्या कहा जाता है बोलते, पीवीसी ग्राउटिंग के लिए ये पीवीसी पाइप है, डक पाइप, ये पूरे जितने मटेरियल है वो सब मटेरियल यहाँ पर लगाया गया है कि इसमें क्या इसको पीटी वर्क में जो कंज्यूमर है उसमें सब मटेरियल को यहाँ पर डिस्प्ले किया है, ताकि वो क्या होता है जब नया इंजीनियर होता है तो उनको भी जल्दी से मालूम हो जाता है। आरसीसी वर्क है टूल्स, इसमें क्या यूज होना चाहिए, ज्यादा यूज क्या होता है, ये सब डिस्प्ले यहाँ पर किया गया है, क्योंकि जो वर्क में ज्यादा यूज किया जाता है तो उसमें नाम हमें मालूम होने चाहिए, ठीक है, तो उससे हमें पता चल जाएगा कि कौन सी चीज को क्या कहा जाता है। यहाँ वाटर पंपिंग है, जो वाटर पंपिंग की लेयर वाइज लेयर यहाँ पर पूरी प्रॉपरली यहाँ पर हम यहाँ पर शो किया गया है। मतलब कैसे वाटर पंपिंग होती है वो पूरा प्रॉपरली यहाँ पर डेमो करा के रखा हुआ है। यह सैंपल है जैसे कि आपका स्लम टेस्टिंग करते हैं वो सब यहाँ पर लगाया गया है। उससे क्या होता है कि आपका जो नया इंजीनियर है या हमारे पास जो नए सीखने के लिए आते हैं तो उनको जरा आसानी से भाषा में सिखाने के लिए और या ऑडिट के लिए भी काम आ जाता है। तो ऐसे लैब में होना बहुत अच्छा दिखता है,
जो लैब में यूज होने वाला मटेरियल यहाँ पर है, पूरा चालू है। यहाँ पर डॉक्यूमेंट रखेंगे, यहाँ पर बैठेंगे और यहाँ पर भी कुछ आदमी बैठेंगे। यह हमारा हो गया लैब। तो दोस्तों, हमारा लैब कैसा लगा आपको तो कमेंट में जरूर बताना, लाइक और शेयर जरूर करना। थैंक यू सो मच। और हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू सो मच दोस्तों।